पहली पेमेंट लेने के लिए, YouTube की फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए क्या वीडियो अपलोड करने के बाद ही पैसा मिल जाता है या फिर कुछ और करना होता है अपने चैनल के साथ? सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। मतलब यार, फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए आपको क्या क्या करना होता है सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप भी YouTube पे काम करने के बारे में सोचते होंगे तब तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की है। अगर आप YouTube से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्रिएटर नहीं बनना चाहते हैं, तो शायद ये वीडियो उतना खास आपके लिए नहीं होगी जितना खास होना चाहिए। फिलहाल आप देखिए जरूर एक बार वीडियो को, फुल वॉच करें, कुछ ना कुछ सीख तो आपको जरूर इससे मिल ही जाएगी। तो चलते अपने मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि भाई फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, उसके बाद हमें फर्स्ट पेमेंट मिलती है, मतलब फर्स्ट विदेशी मुद्रा हमें मिलती है। YouTube का जो पैसा होता है फॉरेन से आता है, डॉलर में आता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए, ये विदेश से आती है और डॉलर में आती है, उसके बाद इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो के तब हम लोगों को ये पैसा मिलता है। अब बात करेंगे कि भाई फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो केवल यही समझते हैं कि बस वीडियो बना के अपलोड करो, उसके बाद पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ गाइस, वीडियो अपलोड करने के बाद ही पैसा मिलता है, बट उतना ही आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वीडियो बनाए उसके बाद अपलोड कर दिए उसके बाद पैसा आपके खाते में आने लगेगा। कुछ और आपको करना होगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। क्या करना होगा चलिए बताते हैं। क्या सबसे पहले आपको वीडियो बनाना होगा, सबसे पहले आपको चैनल बनाना होगा। चैनल बनाने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो अपलोड करेंगे आप। अपलोड करने के बाद आपको पैसा लेने के लिए गूगल एडिसन अकाउंट आपको बनाना होगा। कैसे बनाते हैं ये वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर नहीं आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सारे क्रिएटर वीडियो इस पर बनाए हैं कि भाई एडिसन अकाउंट कैसे बनाते हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। तो वीडियो अपलोड करने के बाद आप सबसे पहले चैनल बनाना होगा, उसके बाद वीडियो बनाना होगा, वीडियो अपलोड करना होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग ये सब लिखना होगा। उसके बाद गाइस आपको गूगल एडिसन अकाउंट बनाना होगा। एडिसन अकाउंट क्यों बनाते हैं चलिए उसके बारे में बात करते हैं। गाइस, गूगल एडिसन अकाउंट इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि हर महीने की जो हमारी यूट्यूब की कमाई होती है वो सबसे पहले गूगल एडिसन अकाउंट में जाती है, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होकर बैंक में आती है। सबसे पहले YouTube की कमाई गूगल एडिसन अकाउंट में जाती है, उसके बाद एडिसन अकाउंट से बैंक अकाउंट में आती है। तो सबसे पहले आपको गूगल एडिसन अकाउंट बनाना होगा। चलो ये भी आप बना लिए, उसके बाद अब आपको क्या करना होगा फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए। गाइस, जब आप चैनल बनाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे तो उनसे जो कमाई होगी वो आपकी कमाई सबसे पहले गूगल एडिसन अकाउंट में जाएगी। जैसे मान लो आपने इस महीने में $10, 15, 20, $50 कमाया तो वो डॉलर आपके गूगल एडिसन्स अकाउंट में जाएगी, उसके बाद बैंक अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर आप गूगल एडिसन अकाउंट बना भी लिए हैं फिर भी आपके बैंक अकाउंट में अभी आने वाली नहीं है, कुछ नेम और है। अगर वो चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे, वो टारगेट आप कंप्लीट कर लेंगे, वो रूल नेम आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपकी फर्स्ट पेमेंट आपको मिलेगी। चलिए क्या नेम है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। गैस, YouTube का रूल है, नेम है कि सबसे पहले आपको अपने गूगल एडिसन अकाउंट में $10 का आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप $10 कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको वहां से आपके एड्रेस पे एक पिन भेजा जाएगा जो गूगल की तरफ से आता है। उस पिन में आपका नाम, पता, ये सब लिखा होगा और उस पिन के अंदर कुछ अंक लिखे होते हैं ना, वो अंक आपको अपना चैनल ओपन करके, मतलब गूगल एडिसन अकाउंट ओपन करके वहाँ आपको डालना होता है। इसका इसलिए होता है कि आपका गूगल एडिसन अकाउंट यूट्यूब वाले वेरीफाई करते हैं। जब आपका गूगल एडिसन अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी कि अब आप की जो कमाई है आपके बैंक अकाउंट में पहुँचेगी। लेकिन कुछ नेम और है, जैसे आपने सबसे पहले आपको चैनल बनाना होगा, फिर वीडियो अपलोड करना होगा, उसके बाद गूगल एडिसन अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद उसमें $10 कंप्लीट करना होगा। जब आपका $10 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका पिन आएगा गूगल की तरफ से। जब वो पिन आपके घर पे आ जाएगा तो आपको वेरीफाई करना होगा अपना गूगल एडिसन अकाउंट, मतलब वो लिफाफा फार के उसमें कुछ अंक लिखे होते हैं जिसे आपको अपने गूगल एडिसन अकाउंट में डालकर वेरीफाई करना होता है। अगर जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी अभी आपकी पेमेंट आने वाली नहीं है, ये मत सोचना कि $10 हो गया है, वो $10 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद YouTube का रूल है, नेम है कि जब आपके गूगल एडिसन अकाउंट में 100 मतलब $100 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो इतना सब कुछ नेम होता है तब फर्स्ट पेमेंट मिलती है। चलिए एक बार विस्तार से जल्दी जल्दी बता देते हैं क्या क्या
करना होता है फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए, सबसे पहले चैनल बनाना होता है, चैनल बनाना होता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करना होता है, उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद $10 गूगल एडसेंस अकाउंट में कंप्लीट करना होता है, उसके बाद वेरीफाई वाला पिन आपको अपने घर पे मंगाना होता है, उसके बाद वेरीफाई करना होता है अपना गूगल एडसेंस अकाउंट, फिर अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में 100 यानी $100 कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपके पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी। जिस महीने में $100 कंप्लीट हो जाएगा उसी महीने के 21 तारीख को आपके पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। और हाँ, एक चीज़ आप भूल गए हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट में फिर बैंक ऐड करना होगा, इतना चीज़ आपको करना होगा, उसके बाद आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगी, उसके बाद सेकंड मिलेगी, थर्ड मिलेगी, उसके बाद कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। जब भी आपको $100 कंप्लीट हो जाएगा तब तब आपका पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो अब आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए क्या क्या करना होता है। समझ में आ गया हो तो वीडियो आप लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।